Good morning students, how are you all? I hope you will be happy, healthy, safe at your home, and I'm very happy to see your feedback in WhatsApp and continue this process, because this process or this interaction only can be complete with the help of your feedback. This is the two-way interaction. We are giving assignment, we are giving topic, we are uploading the videos, but you are not giving any feedback and doubt, that is, this process is incomplete. For this complete studying process, we need regularly your feedback. Okay, this video aapki comments ki ka jo chapter hai, kaun sa chapter chal raha hai aapka, poverty, aur poverty ki this is the third video. Okay, आपने लास्ट में क्या, हमने जो लास्ट क्लास अटेंड की थी उसमें क्या किया था, दैट व्हाट आर द मेन मेजरमेंट टूल्स दैट इज पॉवर्टी लाइन. विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन हमने जो लास्ट डिकेज यानी 7 और 8 डिकेज आफ्टर अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमने काफ़ी सारे जो ट्रेंड्स थे जैसे उसके बाद हमारा टॉपिक है, ये मैंने जो टर्म था दैट इज ए ट्रेंड, ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी. Trends of poverty means character कि time on the basis of time यानी over time basis we notice different aspects, different जो changes हैं poverty के अंदर हमारे, यानी within country and inter may भी कह सकते हैं, when we compare interstate in आपका district wise, state wise and within the country, within the country नहीं जब हम दूसरे देशों के साथ भी कह सकते हैं. तो ये हमने जो trend notice किया है, मैंने थोड़ा सा एक बार डाटा आपको समझाने के लिए लिया है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हम 1960 to 61 यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द जो 5 ईयर प्लान हमारे स्टार्ट हो गए थे, आफ्टर कंप्लीट ऑफ 2 5 ईयर प्लान व्हेन वी गो द डाटा ऑफ पॉवर्टी, तो नियर अबाउट क्या 34% के नियर अबाउट हमारी पॉवर्टी थी. तो ये नहीं कि हमने कि हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गई, हमने 5 ईयर प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी कि हमारी पॉवर्टी अब डिक्रीज, यानी कुछ डिकेड्स तक पॉवर्टी कम होने की बजाय पॉवर्टी इंक्रीज हुई. यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं 64 जो 70-71 का जो डाटा है था, वी गोट 48% जो पॉवर्टी थी हमने इतने नियर अबाउट थी पॉवर्टी. इट मीन्स ये हमने जो पॉवर्टी है उसमें जो आपके चेंजेस हैं, ट्रेंड्स हैं, वो दोनों तरीके के हमने नोटिस किए हैं. सम ईयर ये जो हमने किया दैट इज इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी, सम ईयर डिक्रीज ऑफ पॉवर्टी. दिस इज शो द डिफरेंट ट्रेंड, डिफरेंट टाइम चेंजेस इन पॉवर्टी भी हमने, मैंने आपसे कहा कि 70-70 इसके बाद जो हमारे जो मेजर चेंजेस आए थे जो पॉवर्टी को हमारे कम कराने में जो हमारी हेल्प करता है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था दैट इज एनईपी. एनईपी आने से इंडिया के अंदर कुछ हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके किसमें अदर फील्ड के अंदर भी हमने काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई प्राइवेट सेक्टर्स आने की वजह से, तो हमारे जो जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई हमारे इंडिया के अंदर, डेवलपमेंट की जो आपकी जो स्टेज है ग्रोथ है वो इंक्रीज होने की वजह धीरे धीरे फिर पॉवर्टी ने आपने क्या किया था चेंजेस में, यानी हमने ज़्यादा होने की वजह हमारे धीरे धीरे कम हुई है. यानी कि लास्ट अगर हम बात करें 2009 और 2010 का जो आपका वो कितना है डाटा फैक्ट दैट इज 29.8. करंटली दैट जो हमारा फीडबैक है जो हमने जगह जगह से अलग अलग जगह स्टडी करके मिला दैट इज करंट पॉवर्टी स्टैंड थी हमारी ये है नियर अबाउट 22% पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया. तो ये जो शो करता है जब हम पढ़ेंगे, ये तो मेरा होता है कि विद इन द चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी नोटिस इज पॉवर्टी भी, हमने 60 से लेकर टाइम में हर 5 साल 2 साल में जब भी नोटिस किया तो पॉवर्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है. और ये चेंजेस हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जो प्लानिंग हमने चैप्टर 3rd चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया जो के अंदर हमारा जो सिस्टम है, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लानिंग, यानी दैट इज 5 ईयर प्लान, एनुअल प्लान, जैसे हमारी जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है उन सब की प्लानिंग, और जो डिफरेंट आपकी जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल जो सेगमेंट्स है उसकी वजह से पॉवर्टी लाइन में हमने चेंजेस की. और ये जो चेंजेस है कई बार हमारे चेंज एक्चुअली में चेंजेस नहीं होते, दिस इज द ओवर टोटल बेस्ड डाटा ऑन पॉवर्टी लाइन पीएल लाइन जो हमने कल पढ़ा था, और कई बार उसकी मेजरमेंट की चेंज की वजह से उसका डिफरेंट एस्पेक्ट सेट होने की वजह से भी पॉवर्टी लाइन में यानी जो सेगमेंट है इसमें चेंज हो जाता है. अब ना कम टू द पॉइंट वेन ये नहीं कह सकते कि मैंने कहा एवरेज पॉवर्टी हमारी 22% है, बट ऑल स्टेट आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सम स्टेट्स आर फेसिंग मोर देन 22% एंड सम स्टेट्स आर फेसिंग लेस देन 22%. दिस इज ओनली ए शो प्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज, यानी टोटल 29 जो स्टेट्स हैं दैट रिप्रेजेंट, बट डिफरेंट स्टेट जब इंटरलीगल जब कंपेरिजन करते हैं इट मीन से सम स्टेट्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड सम स्टेट्स आर ए एवरेज, वो इतने
state is like Bihar, MP, Odisha, Assam, UP, Manipur, Chhattisgarh, Jharkhand. These states are high alert zone. It means ये जो states हैं आपके जो property को ज़्यादा अपना face करने हैं. हम ये कहते हैं बिहार में 34% जो population है वो हमारे poverty line से through यानी BPL families form करती है. Same MP में 32%, उड़ीसा में 33%, UP में 30%, मणिपुर में 28%. यानी some states are facing very high data. But in the next context, other hand, हमारे क्या कह सकते हैं, some states are facing very, यानी जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी planning से human capital formation की वजह से जहाँ उन्होंने investment किया अपने human capital पे, education पे, strategy पे, तो वो कुछ states हमारे जो उसके लिए हमारे good sign पे कि कुछ states में poverty को बहुत हद तक कम भी किया है. उसमें सबसे जैसे example जैसे केरला है, only 7% population facing the poverty. Like आपके गुजरात है, HP हिमाचल प्रदेश को ऊपर आपका जो HP हिमाचल प्रदेश है only facing the 8%. Like हरियाणा also, in our state also only 11% population lying in BPL families. Then पंजाब that only 8% population. यानी these ratio less than जो था 22%. हमें कहते हैं हमारी जो average poverty उससे कम है. और these states are facing the problem of high rate of poverty compared to our पॉवर्टी लाइन यानी जो हमारी एवरेज पॉवर्टी है. नाउ दिस दैट इज द पॉवर्टी ट्रेंड्स. बट आज हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट आर दिस स्टफ जो कहते भी बहुत हाई रेट पे भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 70 to 80 years आज भी पॉवर्टी एग्जिस्टिंग है के अंदर. तो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. मेन कॉजेज का सबसे पहला क्या हमारा है दैट इज लो लेवल ऑफ नेशनल पॉवर्टी यानी नेशनल प्रोडक्ट. हमारा जो नेशनल अकॉर्डिंग टू द UNO जो UNO की जो रिपोर्ट है वो कहती है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो GDP है वो आपका लेवल बहुत लो है. और पॉपुलेशन और की वजह से अगर हमारा नेशनल प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होगी तो स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. यानी हम इस पॉवर्टी से तभी बाहर निकल सकते जब हमारा GDP हमारा ज़्यादा ही पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी ग्रोथ हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी कम होती है. और यही हमारा रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो एवरेज कैपिटल इनकम है एवरेज कैपिटल जो प्रोडक्ट है वो हमारी बहुत ही कम है. अकॉर्डिंग टू UNO रिपोर्ट ऑल्सो दिस इज शो दैट डेवलपिंग जो इकोनॉमीज हैं उसके अंदर हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन आपकी जो है वो बहुत लो रेट में है. देन सेकंड दैट इज ए लो रेट ऑफ ग्रोथ. हमारी एवरेज नियर अबाउट बेटा 5% ग्रोथ रेट है. GDP की जो ग्रोथ रेट है एवरेज जो हमारी अभी जैसे मान लो दैट इज एवरेज रेट 5%. इसके लिए अबाउट हमारी 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये हमारी GDP इंक्रीज हो रही है. ठीक है इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनकम में सिर्फ 3% की चेंजेस आ रही है. क्योंकि इसका मतलब है व्हेन वी कंपेयर पॉपुलेशन रेट एंड GDP रेट दैट इज ऑल्सो ए लो रेट. क्योंकि पॉपुलेशन की ज़्यादा बढ़ने की वजह से GDP की जो रेट ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए वो हमारी कम है. 5% और दिस इज वेरी लो रेट ऑफ द ग्रोथ. दैन थर्ड वन हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. जो इन दोनों पॉइंट में बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ जो पॉपुलेशन है आपकी वो बहुत ज़्यादा है आपकी इंडिया की जो है यानी हमें ओवरऑल जब हम वर्ल्ड में कंपेरिजन करते हैं बेटा उसमें क्या हमारे हमने नोटिस किया है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेटेड एरिया जो कहते हैं हमारा चाइना फर्स्ट नंबर पर सेकेंड नंबर पर हमारी क्या आपकी आपकी सेकेंड नंबर पर आ जाती है. अब हमारी नियर अबाउट पॉपुलेशन जो है दैट इज 130 crore प्लस है हमारी पॉपुलेशन. जो डाटा हमारा आपका कितना सिर्फ हमारा कितने भी 100 यानी करोड़ से नियर अबाउट यानी कि बात करें 2000 के नियर 99-2000 में उससे तो सिर्फ हमारे विद इन 10-20 years वी हैव इंक्रीज द 30 crore पॉपुलेशन. तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो पॉवर्टी का बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी जो इकनॉमी है वो बहुत बिग इकनॉमी है किसी देश पे पॉपुलेशन वाइज. और इस पॉपुलेशन वाइज जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो कई बार हमारे कल्प नेग्लेक्ट हो जाते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट दैट इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से और हमारी नेशनल ग्रोथ रेट कम होने की वजह से क्या होता है हाँ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल यानी कि हमारे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है दैट शो द पॉवर्टी इंक्रीज. अब हमें इससे क्या हो जाता है अगर हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना इन्फ्लेशनरी क्या होता है इंक्रीज इन प्राइस. और प्राइस बढ़ने की वजह से जो एवरेज पर्सन है जो BPL फैमिलीज थी दैट इज ऑल्सो लाइन BPL फैमिलीज. क्योंकि जैसे जैसे रेट इंक्रीज होंगे खर्चे बढ़ेंगे और उनकी इनकम के कंपैरिजन में हम पॉवर्टी लाइन को जब मेजरमेंट करते हैं तो पॉवर्टी जो पर्सन है वो इंक्रीज हो जाएंगे.
तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारा रेगुलरली इंक्रीज इन द प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन दो आपके रेट ऑफ ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपैरिजन की वजह से हमारे जो रेगुलरली प्राइसेस में जो इंक्रीजेस आ रहे हैं दैट इज ऑल्सो ए रीजन टू इंक्रीज द पॉवर्टी. देन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना इट इज अ रिफ्लेक्शनरी, यानी एक तरीके टोटली रिफ्लेक्ट द पॉवर्टी बाय अनएम्प्लॉयमेंट. बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो क्रोनिक हो चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, यानी हमारे पॉवर्टी जो है आपका वो हमारे पूरी तरीके से एक वीसीएस सर्कल बना हुआ है. द पॉवर्टी पुअर जो पर्सन है वो इस वीसीएस सर्कल से बाहर ही नहीं आ पा रही, और दिस इज द रीजन फॉर द क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट सम पर्सन आर गोट एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर फ्यू डेज, काफ़ी सारे जैसे फार्मिंग है सबसे बड़ा एक आपका एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का. बहुत सारे पर्सन हैं वहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम लेके फ्री में बैठे हुए हैं, तो वो आपका एक रीज़न है पॉवर्टी को इंक्रीज करने का. यानी हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की जो रीज़न है उसकी वजह से भी पॉवर्टी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. कैपिटल डेफिशिएंसी, देखिए कैपिटल डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास कैपिटल कम होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कम होगी तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी. यानी एक ये क्या है चेन सिस्टम है जो हमारे कैपिटल डेफिशिएंसी से शुरू होती है, यानी लैक ऑफ कैपिटल क्रिएट लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस क्रिएट पॉवर्टी. दिस इज अ चेन वी कांट चेंज. ठीक है, देन सम अदर रीजन कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड, जैसे हाउ डू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी हमारे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे जो कास्टिज्म है, सम हमारे जो रीजन है, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम सोसाइटी है तो वैल्यूज़ हैं वो भी कुछ कुछ हद तक कई स्टेट्स में हमारे किस चीज़ को क्रिएट करें पॉवर्टी को क्रिएट करें. लास्ट वन दैट इज लैक ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर. देख फॉर द डेवलपमेंट फॉर टेक्निकली एंड आपको जो कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए वी नीड स्किल्ड वर्कर्स, we need skilled and able entrepreneurs. और हमारे देश में efficient entrepreneurs की कमी है, so ज़्यादा skilled and जो high educated person they migrate to आपके foreign countries and other जो हमारी developed economies हैं वो यहाँ से migrate करके वहाँ चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या स्कोप कम मिलता है, और जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे देश के अंदर efficient entrepreneurs की कमी है और उसे पॉवर्टी आते हैं. आपने बुक में सभी पॉइंट्स हैं, रीड दैट एंड टेक योर डाउट्स एंड मेक नोट्स आल्सो. यानी फर्स्ट आपके दो पॉइंट्स करेंगे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड देन द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. मैंने इसको थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग में टीचर फ्लिप में बताया कि ये टॉपिक हम बहुत लंबे टाइम तक साथ में यानी 9th 10th में थोड़ा करते हुए आ रहे हैं, तो टेक योर डाउट्स एंड प्लीज एड सम पॉइंट्स विद योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. ओके.